आज के स्मैकडाउन के शो की शुरुआत बियांका ब्लेयर वर्सेस टिफनी स्ट्रैडन के बीच क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के मैच से होती है। शुरुआत दोनों के बीच थप्पड़ से होती है। बढ़िया मैच दिखा दोनों वुमेंस के बीच। टिफनी स्ट्रैडन ने काफ़ी इंप्रेस करा इस मैच में। बियांका भी कम नहीं पड़ती दिखाई दी। टिफनी अब टॉप रोप से मूव देने ही वाली थी, बियांका ने गिराया और KOD देके मैच जीत लिया। वैसे मैच यहाँ टिफनी स्ट्रैडन को जीतना चाहिए था। बियांका ब्लेयर तो ऑलरेडी वुमेन टैग टीम चैंपियन है, कम से कम ये अपॉर्चुनिटी तो यार दूसरों को मिलनी चाहिए यार। अब बैक स्टेज हमें ब्लड लाइन के मेंबर्स दिखाई देते हैं। सोलो सिकोवा टामाटुंगा और टांगालोवा को ऑर्डर देते हैं चलने के लिए। दोनों आगे चलते हैं, रेडी होते हैं। पॉल एमन पूछते हैं सोलो, क्या तुमने उससे बात की? सोलो कहते हैं हर पल हमेशा। अब हमें एलेनाइट वर्सेस टामाटुंगा के बीच एक किंग ऑफ द रिंग के लिए मैच दिखा। सोलो न्यू हेयर स्टाइल में यहाँ दिखाई दिए, बैल बजी और एलेनाइट टूट पड़े टामा पे। अब टामा स्लीपर होल्ड एलेनाइट पे लगाते हैं, हालांकि एलेनाइट टामाटुंगा पे कंट्रोल बनाते हैं। तभी सोलो सिकोवा और टांगालोवा एप्रिन पर आते हैं। एले का फोकस इन दोनों पे होता है और टांगालोवा पीछे से अटैक करके फायदा ले लेते हैं। अब मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई कि रेफरी जब देख रहा है सोलो सिकोवा को और उसको लोवा को, तो ये मैच में अगर घुस के एलेनाइट पर अटैक करते तो टामाटुंगा के हाथ से मैच निकल जाता, तो एले नाइट को इन पे ध्यान देने ही नहीं चाहिए था। खैर एले नाइट ने फिर से कंट्रोल बनाया और टांगालोवा ने टामाटुंगा को पकड़ के रिंग के बाहर खींच लिया। एले ने लोवा में ड्रॉप किक दी और सोलो को कन्फ्रंट करा। वापस रिंग में आए तभी टामाटुंगा ने गन स्टन देके मैच जीत लिया और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। अब टाइम था कॉडी रूड्स और लोगन पॉल के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट का। रिंग में निक एल्डिस दिखाई दिए, वो लोगन पॉल को इंट्रोड्यूस करते हैं। लोगन पॉल के साथ तीन चार लौंडे लपाड़े भी आते हैं। कॉडी आके कहते हैं कि सो जैक्सनविल, क्या बात करना चाहते हो? मैं काफ़ी प्यार करता हूँ इस जगह से, तुम सब जानते हो। तुम्हें पता है किसी ने मेरे ध्यान में लेके आया कि इसी दिन 32 साल पहले यहाँ क्या हुआ था। लोगन तुम्हें पता है यहाँ क्या हुआ था? मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 साल पहले फ्लोरिडा में वॉर गेम्स 1992 में मैच दिखा था, वो सबसे बेहतरीन वॉर गेम्स मैच था। तुम्हें पता है मुझे क्यों पता है? क्योंकि वो वुमेन वहाँ जो खड़ी है ना बोर्ड लेके, बिल्कुल मेरे जैसी है। ऊपर बैठा है ना जो मेरा दोस्त जो वहाँ से चिल्ला रहा है, कारण ये है, सब मुझे पता था। मैं भी एक फ़ैन हूँ रेसलिंग का, मैं फ़ैन हूँ जो मैं करता हूँ, मैं फ़ैन नहीं हूँ। लोगन तुम एक टूरिस्ट हो जो यहाँ यादें बना रहे हो, तुम्हें अब इस ट्रेन से उतर जाना चाहिए और US टाइटल हार जाना चाहिए। कॉडी रूड्स अपने करियर में पहली बार बनेगा ग्रैंड स्लैम चैंपियन। लोगन पॉल कहते हैं कॉडी तू वही चीज़ें कर रहा है जो इससे पहले आए लोगों ने करी हैं, हमने सुना है, हम पक चुके हैं इन सब चीज़ों से। क्या बकवास बातें कर रहा है तू, सब तू सबको रोकने नहीं आ रहा है, तेरी बकवास सुनने नहीं आया मैं यहाँ, मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आया हूँ, तुझे सुनने नहीं आया हूँ। क्राउड लोगन पॉल को यूज सक कर रहा था। लोगन पॉल कहते हैं क्या क्राउड है यार, देखो मैं वही करने आया हूँ जो करने आया हूँ, चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। लोगन पॉल कहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट देख रहा हूँ, एक चीज़ है इसमें जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। इसके बाद वो उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ के फेंक देते हैं। अब वो बोलते हैं मैं पढ़ सकता हूँ जो मुझे पढ़ना आता है, मैं मानता हूँ मैं कॉडी रूट से लड़ूंगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना टाइटल ऑन दी लाइन लगाऊं। ये मेरे साथ मेरा लॉयर है जिसने नया कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, ये देखो निक, ये रहा नया कॉन्ट्रैक्ट, बढ़ो और साइन करवाओ। निक एल्डिस कहते हैं हे लोगन, ये अनप्रोफेशनल है, ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी हमारे बीच में, ये क्या कर रहे हो तुम? लोगन के लॉयर कहते हैं कि निक क्या आप मेरे क्लाइंट को धमकी दे रहे हैं? कॉडी रूट्स कहते हैं कि निक मैं तुमसे काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मैं जानता हूँ तुम गुस्सा होते हो तो क्या होता है। निक तुम किसी बात की मत सुनो, तुम अपना काम करो, मुझे और लोगन को ये पेपर वर्क करने दो, निक मैं ये संभाल लूँगा, तुम जाओ, हम ये ख़त्म करके तुम्हारे ऑफिस में आते हैं। लोगन पॉल कहते हैं कि मैं साइन करने वाला हूँ, मैच बन चुका है, आपके लिए अच्छी खबर है कॉडी रूट्स ने कुछ नहीं करा है ताकि उसे मौका मिले मेरे US टाइटल के लिए। सच में कॉडी तुमने किया क्या है यहाँ पे? मैंने तो साबित करा है कि मैं हर टाइटल के लायक हूँ इस इंडस्ट्री में, साइन दी कॉन्ट्रैक्ट बड़े भाई। कॉडी रूट्स कहते हैं सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारा ये हनीमून अब खत्म हो चुका है, हमारे मैच के बाद तुम्हें पता चलेगा कि तुम हो कौन। टाइसन की बात कर रहे हो तुम, कुछ दिन बाद एक हॉल ऑफ फेमर तेरे भाई को नॉकआउट करेगा सऊदी में, तू चाहता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करूं तो ले। कॉडी इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। इसके बाद लोगन पे कॉडी रूट्स अटैक करते हैं और रिंग के बाहर कर देते हैं और उनके साथ आए पंटर को टेबल पर दे मारते हैं। WWE ने फैंस का यहाँ अच्छे से काट दिया है। WWE ने पहले चैंपियन वर्सेस चैंपियन, विनर टेक ऑल मैच कहना शुरू करा और अब लोगन वर्सेस कॉडी के बीच केवल अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए मैच दिखेगा। वाह WWE।
अब हमें नाया जैक्स वर्सेस बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन जेड कारगिल के बीच मैच देखा। ये क्वीन ऑफ द रिंग के लिए मैच था। कारगिल ने नाया जैक्स को शानदार स्पाइन बस्टर दिया। नाया ने भी अब रिंग के बाहर पलटवार करा। कारगिल की बेटी रिंग साइड बैठी हुई थी। नाया उससे कह देती हैं तुम्हारी माँ घटिया है। कारगिल को ये बात बड़ी बुरी लग जाती है। बेटी के सामने नाया में मार देती हुई दिखाई दी। नाया भी फायर्ड अप हो जाती हैं। वो उठा के सामान वगैरह फेंकने लग जाती हैं। नाया अब चेयर लेके कारगिल को मारने वाली थी। कारगिल चेयर पकड़ती हैं और उस चेयर से नाया को हिट कर देती हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से एंड हो जाता है और विनर नाया जैक्स बन जाती हैं। उसके बाद भी कारगिल शांत होने का नाम नहीं लेती हैं। नाया पे अटैक करती हुई दिखाई दी। अरे इतना भी क्या बुरा मानना कारगिल बहन, ऐसा क्या कह दिया मैच से, हाथ धो बैठी तुम, ये तो कुछ भी नहीं है। WWE में तो फैमिलीज़ को इससे भी ज़्यादा बुरी तरह से घसीटा जाता है। खैर ये तो हमें पता था नाया जैक्स यहाँ जीतेंगी, क्योंकि कारगिल यहाँ जीतती तो कारगिल और बियांका ब्लेयर के बीच मैच दिखता, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों टैग टीम चैंपियंस हैं। इसके बाद हमें DIY वर्सेस गार्जा घंबर्टो कार्लियो के बीच एक टैग टीम मैच दिखा, जिसे DIY ने जीत लिया। अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां मैं रैंडी ऑर्टन वर्सेस कैरमेलो हेज के बीच किंग ऑफ द रिंग के लिए मैच दिखा। ये मेन इवेंट मैच था। कैरमेलो ज़्यादा ही नकचड़े बन रहे हैं। रैंडी ऑर्टन को टपली मार देते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कैरमेलो हेज के भूत को लातों से हाथों से उतारते हैं। इसके बाद रैंडी ऑर्टन कैरमेलो हेज को अनाउंस टेबल पर 3 बार सुप्लेक्स लगाते हैं। अब कैरमेलो हेज भी पलटवार करते हैं रैंडी ऑर्टन पे। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। कैरमेलो रैंडी ऑर्टन के लगातार पैर और हाथ को टारगेट कर रहे थे। अब रैंडी ऑर्टन ने शानदार आरकियो देके मैच जीता और क्वालिफाई कर गए नेक्स्ट राउंड के लिए। मैच के बाद रैंडी ऑर्टन खड़े ही हुए थे, तभी ब्लड लाइन के सोलो सिकोवा तामाटुंगा टांगा लोआ एंट्री करते हैं पॉलीमिन के साथ। तभी रैंडी ऑर्टन कहते हैं एक मिनट तुम क्या मुझे डराने आए हो? ब्लड लाइन शायद भूल गई है कि मैं कौन हूँ, तो मैं तुम्हें बता दूँ मैं 14-time वर्ल्ड चैंपियन हूँ और फ्यूचर किंग ऑफ द रिंग। तामाटुंगा नेक्स्ट वीक तुझे सऊदी अरेबिया में मैं वर्ल्ड के 3 सबसे खतरनाक वर्ड से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। RKO सोलो टामा को इस टाइम रोक रहे होते हैं। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। अब स्मैकडाउन में रैंडी ऑर्टन वर्सेस टामाटुंगा के बीच सेमीफाइनल मैच दिखेगा। वहीं बियांका ब्लेयर वर्सेस नाया जैक्स के बीच सेमीफाइनल मैच दिखेगा किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग टूर्नामेंट के लिए। वहीं WWE ने मतलब क्या मजाक लगा के रखा है यार। WWE ने पहले कहा कि चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच, और आज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग टाइम पे लोगन पॉल पलट गए। उन्होंने निक का कॉन्ट्रैक्ट फाड़ा और खुद से एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना के ले आए, जिसमें था कि मैं अपना US टाइटल डिफेंड नहीं करने वाला हूं कॉडी रूट्स के अगेंस्ट, जिससे निक को थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई बट महान कॉडी रूट्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। निक को वहां से जाने को कहा और खुद सब हैंडल करने को कहा। अब कहां गया ग्रैंड स्लैम वाला दावा जो कॉडी रूट्स कर रहे थे? कॉडी रूट्स ने उठा के कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया ताकि कॉडी रूट्स महान दिख सके। अब भाई कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल चीज होती है, इसे क्या कोई हर कोई बना सकता है? खैर छोड़ो, इस सब में कुछ नहीं रखा। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। उस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।